कई मनोवृत्तियां आज पैदा हो जाती हैं, जो आदमी के चेतन आदमी के जो चेतन आदमी है जिसके अंदर चेतना है कि मैं इंसान हूँ, उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं, उसके जीवन का अनिवार्य अंग है। हाइडेगर ने भी यही कहा, कर्केगार ने भी, हाइडेगर ने बहुत तरह टेढ़े मेढ़े शब्दों से कहा, सार्थ ने उन शब्दों को आसान कर दिया, कर्केगार ने उन समस्याओं को सबसे पहले उठाया था क्योंकि सबसे पहले अस्तित्ववादी थे। तो ये आदमी के जीवन का एक अंग बना, अनिवार्य अंग है ये। इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये कहीं से पैदा हुए, ये आदमी के अंदर जोड़ दी गई। जो इंसान है उसके अंदर ये मनोवृत्तियाँ पैदा होंगी, अपने आप को जो इंसान समझता है। तो पहली मनोवृत्तियाँ क्या हैं उसने, सार्थ ने जितना भी ये साहित्य लिखा है ये कहानियों के रूप में लिखा है, और उन कहानियों में से वो सारी चीज़ें निकल निकल के आती हैं। उन्होंने इसको कोई सैद्धांतिक नहीं किया क्योंकि वो जीवन की वास्तविकता से खेल रहे हैं, कल्पनाओं से नहीं खेल रहे, तो वास्तविक चीज़ों को लेकर के वो और अपनी कहानियाँ लिखते हैं कि ऐसी ऐसी कहानी में मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो सबसे पहली चीज़ जिसको कहते हैं कि आदमी के मन में एक कुंठा पैदा होती है जिसको कहते हैं नौसिया, NAUSEA, नौजिया। नौजिया का मतलब होता है मचलन। जैसे आदमी का मन घबराता है तो मचलने लगता है आदमी का, जैसे उल्टी आ रही है, मुझे कुछ हो रही है। नौजिया का मतलब घर की याद भी होती है। तो नौजिया का मतलब होता है कि आदमी को अपनी कमजोरियों का एहसास, मजबूरियों का एहसास जब होता है तो उसके अंदर एक दुर्बलता जो है वो जन्म लेने लगती है थोड़ी की थोड़ी। इसको पहले भी हम कर चुके हैं कि कमी ये आदमी के अंदर क्या होता है कि आदमी अपनी योजनाएं बना करके जब चलता है तो उसे पता लगता है आदमी को कि अपनी योजनाओं को मैंने ही पूरा करना है, मैं ही इनका बनाने वाला हूँ। इसको हमारे भारतीय मनीषियों ने भी कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यहाँ भाग्य की बजाय योजनाएं कह दिया कि अपने जीवन के विकास की, अपनी चेतना के विकास की, मैंने अपना जीवन विकसित करना है, ये चेतना विकास चाहती है, इस विकास की सारी योजनाएं मैंने सब चीज़ों को बनानी है। लेकिन जब इन योजनाओं को मैं लागू करने लगता हूँ तो मैं अपने चारों तरफ क्या देखता हूँ, इन इट सेल्फ से घिरा हुआ महसूस करता हूँ मैं। वो इन इट सेल्फ ऐसी चीज़ है जो मुझे चारों तरफ से घेर करके बाधाएँ अवरोध मेरी योजनाओं में उत्पन्न करती रहती है। अगर मैं उनके साथ टक्कर नहीं ले सकता या मैं उनको कोई रास्ता नहीं निकाल सकता, सोच नहीं सकता कि ये जो सारी चारों तरफ से घेरे हुए हैं मुझे, इन इट सेल्फ अचेतन तत्व की जो सारी चीज़ें घेरे हुए हैं, इन तत्वों से निकल करके मैं अपनी योजना को कैसे सफल बना सकता हूँ, तो मुझे अपनी लिमिटेशन का एहसास होने लगता है। मैं तो बहुत लिमिटेड हूँ, मैं तो बड़ा सीमित हूँ, मैं तो वो हूँ जैसा ज़माना बना देगा वैसा बन जाऊँगा। लेकिन आदमी को क्या करना चाहिए, उनसे टक्कर लेनी चाहिए। नौदिया के साथ आदमी को जीना है तो आदमी को ये करना पड़ेगा कि अपनी लिमिटेशंस को पार कैसे किया जाए। ये आदमी के ये जो लिमिटेशंस हैं ये नेगेटिव नहीं है आदमी की, ये पॉजिटिव है। इसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शायरों ने लिखा है, तुंदिए बादे मुखालिफ से न डरना ए उकाब। उकाब कहते हैं गरुड़ को। उकाब एक ऐसी चिड़िया है जो बहुत ऊंचा उड़ती है। अब वो उल्टी हवा चल रही है, हवा जो है उकाब जा रहा है पूरे पश्चिम की तरफ को और हवा आ रही है उधर से वो पश्चिम की तरफ। तो तुंदिए बादे मुखालिफ, तुंदी माने तेजी आंधी और बादे मुखालिफ उल्टी तरफ की हवा, इससे बिल्कुल मत डरना। तुंदिए बादे मुखालिफ से न डरना ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए,
ये तो कहती है और ऊंचा उड़ो तो ये सब नीचे रह जाएंगे चीज़ें। तो ये जो सारी बाधाएं हैं जिनको हम नौदिया कहते हैं, कमजोरी है ये हमारी, लेकिन इस कमजोरी को हमने दूर करना है, इससे टक्कर लेनी है हमने। लेकिन नौदिया आदमी के जीव आदमी की नेचर में है, फीलिंग ऑफ द इस चीज़ की फीलिंग कि मैं लिमिटेड हूँ। अगर वो इसको ना फील करे तो लिमिटेशंस को दूर करने का रास्ता ही नहीं निकाल सकेगा वो। सार्ट्र ने ऐसी बहुत सारी कहानी लिखी हैं और एक कहानी जो है वो बहुत, एक पहली कहानी, सबसे पहली कहानी सार्ट्र की जो है उसका नाम ही नौदिया है। और सार्ट्र ने ऐसी ऐसी कहानी लिखी है कि एक आदमी इंग्लैंड का जो जहाज़ों का जहाँ सबसे बड़ा बेड़ा खड़ा होता था, वहाँ जहाज़ों के बेड़े में कोयले झोंका करता था। लेकिन वो समझता था कि मैं अपनी इन लिमिटेशंस को दूर करूँगा। वो इन लिमिटेशंस से लड़ते लड़ते जा करके राष्ट्रपति बन गया। तो ये कमजोरी का एहसास जो है ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है कि और ऊपर उठो, और ऊपर उठो, और ऊपर उठो, और ऊपर उठो। इसको पॉजिटिव जो बना लेगा आदमी, वो आदमी की गरिमा प्राप्त करेगा। जो इसको नेगेटिव बना लेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो पहली वीकनेस आदमी की, पहली जो मनोवृत्ति आदमी की, वो नौदिया की है। बहुत कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, क्योंकि सार्थक बड़े तकड़े राइटर हैं, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। सार्थक का साहित्य लिटरेचर की फील्ड में बहुत किताबें छपी हैं सार्थक की।